दिख रहा है ना, देखो देखो एम ठीक है, स्टार्ट कर कोई ना। यूट्यूब पर डालते हो आप? अच्छा वहाँ पर समस्या आ रही है? नहीं उसमें दिखता नहीं है, कल आपने डाली थी 8th क्लास के बच्चों की थी। हाँ हाँ उसमें मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। क्वालिटी बढ़ा लिया करो तुम्हारे, उसमें क्वालिटी कम कर रखी होगी तुमने यूट्यूब पे। अच्छा हाँ, तो वो 360 पे कर लिया होगा। अरे यार मुझे लगा था ज्यादा फोकस कर देते। नहीं वो ऐसा नहीं होता। नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, वो डिस्पर्जन डिस्पर्जन ऐसा ही कुछ था। ओके जरा इसमें भी देखना कि एक बार खड़े होके देखो यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, ये दिख रहा है क्या उसमें? हाँ आप तो दिख रहा है उसमें। ठीक है चलो ठीक है स्टार्ट करता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे कहते हैं अपवाह चाल, अपवाह चाल। ठीक है ठीक है लिख लिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सुनो स्टार्ट करता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड इन डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इन डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया, देखो ध्यान से समझो, लिख लो okay. लिख लो आराम से, लिख लिया ठीक है। सुनो ध्यान से, हुआ क्या, जैसे एक कंडक्टर ले लिया मैंने, एक कंडक्टर ले लिया और मैंने बाहर क्या हुआ इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। ठीक है बेटा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, विद्युत क्षेत्र लगा दिया बाहर, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स थे इसके वो ड्रिफ्ट होके इस तरफ आने जाने लगे, यानी इस दिशा में, है ना। तो मैंने यहाँ पर मैंने क्या बोला, यही तो बोल रखा है कि एवरेज वेलोसिटी, एक एवरेज वेलोसिटी जिसकी जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, गेट ड्रिफ्टेड इन डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं, यही तो बताया मैंने, यही तो बताया। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, इन पे जो बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वो फोर्स रहता है एफ इक्वल्स टू माइनस ई और ई। अब यहाँ पर ये माइनस लगाने का क्या मतलब है मुझे बताओ? माइनस लगाने का मतलब है जी भैया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई की गई है तो फोर्स इधर है, यानी फोर्स यानी एफ और ई अपोजिट हैं एक दूसरे के, अपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे के, ये समझ आता है माइनस से। तो माइनस क्या इंडिकेट करता है, इस बात को जरा लिख लो, इस बात को तुम लोग, ये वेक्टर बताता है, मुझे नहीं आया। रखो तो अब क्या हुआ, ये लिख लिया होगा तुम लोगों ने कि नेगेटिव साइन यहाँ क्या शो कर रहा है, ये सब लिख लिया। अब क्या रहता है, एक्सेलरेशन, क्योंकि ये इस तरफ को जा रही है तो कुछ एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस कर रही होगी, किसी एक्सेलरेशन से जा रही होगी, तो यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन A इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। एम यहाँ पर क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम यहाँ पर क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एम यहाँ पर क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
जैसे यहाँ फोर्स वाली बात आई तो मैंने फोर्स रख दिया ए इक्वल्स टू माइनस का ई अपॉन एम, ठीक है, ये हो गया। एम यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बताया था मैंने, ठीक है, ये हो गया। तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया ना, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है कि कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम इंटरवल के लिए हो रहा था, ठीक है, टाइम इंटरवल के लिए हो रहा था। तो यहाँ पर एक टाइम इंटरवल है, उसको मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पर एक टाइम बोल रहा हूँ, रिलैक्सेशन टाइम। लेको रिलैक्सेशन टाइम, बस कर जाओ, कोरोना शांत रहो। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है? तो वहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो आपस में क्या करेंगे, टकराए। तो जो उनके बीच में जो स्मॉल इंटरवल था, थोड़ा सा टाइम था उनके बीच में, उस टाइम को मैं रिलैक्सेशन टाइम बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? रिलैक्सेशन टाइम बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? रिलैक्सेशन टाइम बोल रहा हूँ, ठीक है। टकराने से बीच में जो टाइम इंटरवल जो हो रहा होगा ना, उसको मैं रिलैक्सेशन टाइम बोल दे रहा हूँ। छोटा सा इंटरवल जिसके बीच में वो टकरा रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एक से दूसरा टकरा रहा है, आयन टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन ना लो तो आयन ले लो, अगर आपस में वो टकरा रहे तो उसके बीच में कुछ टाइम तो होगा। तो जो लिख सकते हैं इसको द स्मॉलेस्ट या फिर द स्मॉल टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजंस, इलेक्ट्रॉन्स ले लो चाहे तो और आयंस ले लो चाहे तो, इनके बीच में हो रहा है। कॉलिजन टकराना, इसे क्या है कि हम टाउ से डिनोट कर देते थे, टाउ से डिनोट कर देते थे, ठीक है, ये है। किसके ताऊ हैं? ठीक है, ये अब बोलती मेरे हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम हो गया स्मॉल टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयंस। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ये कोई बड़ा जोक नहीं था, ये घटिया जोक था, ये बैड जोक था, बट क्या रहता है कि फील करनी ना इंटेंसिटी, तो हमें क्या उसको फील करना पड़ता है, तब हंसी आएगी, तब अच्छा लगेगा, ठीक है। यही चीज़ रहती है, माइंडफुलनेस तरीके से, चेयरफुल तरीके से जियो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हंसने के लिए बहुत बड़े जोक की ज़रूरत है, ठीक है, ऐसा है। तो इसमें अगर बेटा यहाँ पर टाइम ले रहा है, वो कुछ टाइम ले रहा है, एक्सेलरेशन हो ही रहा है, तो वहाँ पर वेलोसिटी तो है ना। हम क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तो बात कर रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या है, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन बचपन में पढ़ा था। अब बचपन की बात मत करो सर, हमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो प्लेलिस्ट में जाना, मोशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है, प्लेलिस्ट में क्लास शायद से नाइन्थ का पढ़ा रहा हूँ, क्लास नाइन्थ में फिजिक्स का लेक्चर है मोशन, उसको देखना। उसके अंदर क्या इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, जिसके अंदर क्या है, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी करके बता रहा हूँ मैं, तो टी होता था इसलिए यहाँ पर टाउ से बता रहा हूँ रिलैक्सेशन टाइम को, तो मैंने टाउ से यहाँ बता देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सुनो ध्यान से, ये इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इसे समझ लो, इतना समझ लो, कोई बात नहीं, जब वो वाला लेक्चर देखना तब देख लेना उसमें से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता देता हूँ। अब ये वेलोसिटी बता रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी बताता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था, वो तो रुका हुआ था ना एक टाइम पे, ऐसा ही तो हम मानेंगे, इनिशियल तो वही मानेंगे ना हम, तो इनिशियल रुका हुआ था उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, रुका हुआ भैया तो ये तो जीरो हो गया। और ए एक्सेलरेशन यहाँ पर हमारा ये है माइनस हो गया, यानी वी डी इक्वल्स टू क्या आ गया, ये आ गई,
इसे सबको मिटा दूँ, ये सारा कुछ मिटा दूँ। अब ये हो गई वैल्यू, अब क्या करते हैं इसको जनरलाइज करते हैं, मोड में डालो तो वैल्यू बन गई ई ई ठीक है, अपनी वैल्यू आ गई। हाँ बेटा, हाँ मोड की वजह से हटा दिया, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करके लिखो, टाउ बराबर मीन फ्री पाथ अपॉन आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसे लैम्डा से नोट करते हैं अपॉन वी आरएमएस। अब देखो ध्यान से समझो, होता क्या है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तापमान बढ़ेगा, तापमान में वृद्धि होगी तो वी आरएमएस बढ़ जाता है, यानी अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो वी आरएमएस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वी आरएमएस क्या रहेगा, बढ़ जाएगा। और जब ये बढ़ जाएगा ना, सोचो ये बढ़ जाएगा तो ये बढ़ेगा या घटेगा, ये तो सर घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो इसलिए ये घट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तुम भी डाउट वगैरह हो तो देखो, सुनो ध्यान से। अब देखो यहाँ पर मैंने लिख लिया ऐसे, मीन फ्री पाथ अपॉन आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लिया, तो लैम्डा अपॉन वी आरएमएस। अगर वी आरएमएस क्या रहता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वी आरएमएस भी बढ़ जाता है, ऐसा मैंने बोला भी, और अगर वी आरएमएस बढ़ेगा तो ये अपना क्या रहेगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, ऐसा कह रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैंने बता दिया ऐसा क्यों, ठीक है, ये हो गया। अब क्या रहता है कि यहाँ पर जो ये अपना है ना, ये रिलैक्सेशन टाइम, ये अबाउट 10^-14 करके इसका ऑर्डर रहता है, इट इज़ अबाउट, लिख लो, इट इज़ लिखना शुरू करो, लिखो लिखो, ठीक है, लिख लो, द वैल्यू ऑफ टाउ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, द वैल्यू ऑफ टाउ, द वैल्यू ऑफ टाउ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-14 सेकेंड, ठीक है, इस ऑर्डर में रहती वैल्यू, इसकी वैल्यू, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू 10^-14 सेकेंड में रहती है, इतना समझ आया, ये चीज़ हो गई। इस हाँ, इसकी जो वैल्यू रहता है, इसका जो मान रहता है वो 10^10 ये -14 सेकेंड, मोबिलिटी, अगर बात करूं मोबिलिटी की बात, तो मोबिलिटी को लिखो, इट इज़ डिफाइंड एज, ये सब तो फालतू चीज़ें हैं, डिफाइंड एज, मेन चीज़ बात करते हैं, मेन पे आते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज क्या, रेशियो ऑफ व्हाट, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी टू द ड्रिफ्ट, टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ करंट कैरियर लिखो, करंट कैरियर्स, करंट कैरियर्स, तो और अच्छा लगेगा थोड़ा सा, करंट कैरियर्स टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इतना सारा कुछ लिखा जो मैंने तामझाम लिखा तो अच्छा लग रहा है सुनने में ना, अब रूडनेस, ये रूडनेस है कि मैंने लिख दिया कि रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या समस्या है, थोड़ा रूड लग रहा है भैया, थोड़ा अच्छी तरह बात करो, कई बार पॉइंट टू पॉइंट बात करना भी मज़ेदार नहीं लगता है, ठीक है, इससे एक एक चीज़ समझ आ रही है, ठीक है, ऐसा है कि कहाँ पर क्या है, समझ आया ना, कई जगह अच्छा रहता है पॉइंट टू पॉइंट, बहुत मतलब कम बोलना, पर कई जगह अच्छा रहता है,
एक एक बात को थोड़ा एक्सप्लेन कर करके बताना, समझ आया? हर चीज़ में खो जाओ। साइंस भी, फिजिक्स कितनी सारी चीज़ सिखाती है, लाइफ के बारे में भी सिखा रही है। ठीक है, मोबिलिटी की बात, मोबिलिटी को क्या डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट कर दिया। अच्छा, अगर मैं बात करूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वीडी ऊपर रखा जाएगा और नीचे जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है रख दिया। तो यहाँ पर जो अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वो उस क्या थी, वो ई कैपिटल ई टाउ वाई एम, यही था क्या? यही था ना। और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, तो ई इधर आ गया, ऐसा आ गया क्या बेटा? ठीक है, तो इससे ये कट गया क्या? लो आ गया, ये आ गया मोबिलिटी। क्या आ गया? मोबिलिटी। क्या आ गया? मोबिलिटी आ गया। लिखना शुरू करो। अब यहाँ अगर मैं इसको गौर से देखूँ तो मैं देखूँगा कि जो म्यू है यानी जो हमारी मोबिलिटी है, मोबिलिटी है वो यहाँ एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रही है। ऐसा ही तो दिख रहा है, तो ये चीज़ हमें दिख रही है। तो ये मोबिलिटी है और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही तो था क्या? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? तो ये मास है और ये मोबिलिटी है। तो हम देखेंगे अगर मास बढ़ेगा तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। मास बढ़ेगा तो ये घट जाएगी और ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगी। इतना समझ आया? इसी वजह से क्या रहता है कि जो सेमीकंडक्टर्स रहते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू होल्स। होल्स की मोबिलिटी कम रहती है क्योंकि क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हल्के मतलब कम वजन, कम मास। ठीक है, ठीक है, मास कम है, द्रव्यमान कम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स हल्के हैं तो उनका कम द्रव्यमान हुआ और यानी कम मास हुआ, कम मास हुआ तो मोबिलिटी ज़्यादा हो गई। ऐसा ही तो है। ठीक है, इस चीज़ को तो लिखेंगे इन सेमीकंडक्टर्स, लिखना शुरू कर दो और उसके बाद डाउट पूछना। इन सेमीकंडक्टर्स, इन सेमीकंडक्टर्स मास ऑफ नहीं, इन सेमीकंडक्टर्स मोबिलिटी ऑफ, इसको लिखो तुम ही लोग लिखो, मैं बोल रहा हूँ। इन सेमीकंडक्टर्स मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर, लिख भी रहा हूँ यहाँ पे, मोर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटर देन होल्स। इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटर देन होल्स। ठीक है, तो ऐसा ही यूनिट ऑफ मोबिलिटी बताता हूँ, ये एम एस इनवर्स, एन इनवर्स सी इनवर्स, एम अपॉन एस एन सी भी लिख सकते हैं इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दूसरी यूनिट इसको इस तरीके से भी लिखी जाती है, सी एम स्क्वायर वी इनवर्स एस इनवर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी एम स्क्वायर अपॉन वी एस करके हो गया। ठीक है, हाँ दो यूनिट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर टेबल में ये सी एम स्क्वायर अपॉन वी एस करके लिखा है, लिखा है कि नहीं? ठीक है, मटेरियल्स बता रहा हूँ, डायमंड सिलिकन जर्मेनियम गैलियम आर्सेनाइड। तो डायमंड की इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी 1800 है, सिलिकन की 1350, जर्मेनियम की 3900, गैलियम आर्सेनाइड की 8500। ठीक है, सो ये सारा का सारा टॉपिक था हमारा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ये खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।